अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खुश बाश। और आप भी अपने घरों में खुश और खैरियत से होंगे। तो ये गई थी मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो वहाँ जाने की मैंने रिकॉर्डिंग की रास्ते की, और शॉप की मैंने रिकॉर्डिंग की नहीं। आज मैंने ग्रॉसरी की है अपारा मार्केट से। अपारा एक स्टोर है, मल्टी स्टोर, वहाँ से की है। आज मैं आई आई एक मदीना कैशन करी, नहीं गई वहाँ से, नहीं की मैं। लेट हो गई थी रात को, तो फिर वो ख़त्म हो गई थी काफ़ी चीज़ें। मैं हर मरतबा कहूँगी ग्रॉसरी मंथली करूँगी, मंथली करूँगी, लेकिन फिर कुछ सामान ख़त्म हो जाता है तो फिर वो लेके आ जाती हूँ। तो इसी तरह हर माह होता रहता है। अभी भी कुछ सामान पड़ा हुआ था, कुछ दालें शालें पड़ी हुई थी, और थोड़ी बहुत ही खरीदारी की मैंने। तो बस ये ख़त्म हो चुकी थी जो जो चीज़ें। बस ये बच्चों के लिए जूसेस लिए, और सोया सॉस भी पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने और भी ले ली। और विनीगर और चिली सॉस ये ख़त्म हो चुके थे। और चने की दाल, दो पैकेट मैंने चने लिए, दाल मूंग ली, बाकी छिलके वाली दालें पड़ी हुई थी सारी, तो वो ले ली मैंने। और बाकी जो और मसाले जात सारे पड़े हुए थे, बस मैंने ये सिर्फ लाल मिर्च पाउडर लिया। और ये हैं चिकन नूडल्स, छोटे बेटे की नूडल्स रखी हुई थी, पड़ी हुई थी। और ये चिकन नूडल मेरा बड़ा बेटा खाता है, कभी कभार छोटा भी खा लेता है। और मेरी जो आमना है उसको ये चिकन नूडल पसंद है। उसके बाद मैंने ये चीनी ली, मोटी वाली चीनी। बच्चों को ये चाय में पसंद है, वो कहते हैं कि वो जो दूसरी पतली वाली चीनी है वो चाय में हमें नहीं अच्छी लगती, तो वो मैंने बेकिंग के लिए रख ली। और ये मैं चीनी रखी, और ये माइलो है, मेरा छोटा बेटा पीता है। उसका माशाल्लाह कद भी बढ़ गया, लेकिन बस उसको पसंद यही है, तो उसके लिए लेकर ही आती हूँ। उसकी एज है 14-15 में चल रहा है, लेकिन उसका कद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये लिया है मैंने एवरीडे, एक 1 kg का पैकेट दिया और एक 1/2 kg का दिया। बस ये चलेंगे कोई 15 दिन, 10-15 दिन चलेंगे बस, या शायद 10 दिन। बस ये लिए। और मैंने लिया ये नीडो लिए, अभी मुझे बनाने हैं गुलाब जामुन वगैरह, उनकी रेसिपीज़ हैं, तो उनके लिए मैंने ये खुश दूध में ये नीडो मुझे सही लगा, मैंने ये ले लिया। मेरा बेटा तो नहीं पीता, कोई भी नहीं पीता नीडो, लेकिन मैंने इस चीज़ से बनाने के लिए लिया है। और आज मैंने ऑयल लिया है ये, और एक केचप लिया, हाफ पड़ा हुआ था, लेकिन सोचा कि और भी ले लेती हूँ। और कुछ साबुन भी लिए, और ये एल्बो मैक्रोनी है, ये बस मेरे बच्चों को यही पसंद है और मुझे भी यही पसंद है, इसी शेप वाली ज़्यादा पसंद है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इसी शेप वाली लेके आती हूँ, एल्बो शेप सबको पसंद है। वो दूसरी जो सीपी टाइप उनका शेप है, वो तो बच्चों के बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती। एक मरतबा देखी मैं, बस पड़ी हुई थी सारी। और एक स्पेक्टी ली मैंने, और ये 1 kg का मैदे का पैकेट लिया, और साइड में फटा हुआ था, थोड़ा फट गया, गिर गया नीचे। और ये चावल लिए मैंने, वो चावल मैंने पहले लिए थे, अब वो बंद, एक मैं बोरी लेती हूँ तो वो उसमें ठीक नहीं आता, तो अब मैं दूसरे दूसरे टाइप के ले रही हूँ ट्राई करने के लिए, तो जो मुझे अच्छे लगेंगे फिर वो लिया करूँगी। और एक मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया, दो ये मैंने ले ली दाल मसूर, 2 पैकेट, 2 kg। बस क्या करें, हम दाल मसूर और चावल खाते हैं रात के टाइम, डेली अक्सर हमारे बस चावल और दाल मसूर बनती है। मेरे बच्चों को भी यही पसंद है। कभी कभी अगर मैं
अगर मैं चावल, सॉरी मुझे मेरा गला ख़राब है अभी तक, तो एलर्जी है। डॉक्टर से दवाई लेकर आई थी, ये मट्टी धूल थी उधर बहुत ज़्यादा, तो बस गला ख़राब हो गया। अलहमदिल्ला फिर भी पहले से बेहतर है, लेकिन थोड़ी बहुत अभी खराश चल रही है गले में। बस तो ये दो मैंने पैकेट के जी 1 KG की सरफ के लिए, और ये पेस्ट थी जो मैंने ले ली, ये क्या कहते हैं सिंथोडन मेरे हस्बैंड इस्तेमाल करते हैं, और कोलगेट मेरे बच्चे, और मेडिकेम में यूज़ करती हूँ। और ये मैक्स के 2 पैकेट लिए मैंने, सॉरी 2 बॉटल्स लिए हैं मैक्स लिक्विड। मुझे यही बर्तन धोने में पसंद है इसलिए, और साबुन जो है हम यही इस्तेमाल करते हैं, पामोलिव, लक्स या सेफ गार्ड वगैरह नहीं यूज़ करते। उसके कुछ रीजंस हैं, तो इसलिए वो वाले सूप सोप हम इस्तेमाल नहीं करते। और ये ओट्स हैं, ये भी ख़त्म हो चुके थे, बस ये भी यूज़ करते हैं कभी किसी का नाश्ते में खाने को दिल हो तो, या कुछ भी बनाते हैं कभी नमकीन कभी मीठा, तो इसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और ये छोटे सामान मुझे पसंद आए हुए मैंने ले लिए, और एक मैंने दूध का पैकेट लिया बड़ा, और सफ़ेद ज़ीरा, और ये हारपिक्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डेली वॉशरूम में यूज़ करने के लिए, तो ये मैंने ज़्यादा ले ली। चावल थे और चीनी और आटा 5 KG लिया मैंने, उसका लिया है बिल्कुल चक्की का, देसी चक्की का आटा बिल्कुल, तो ये मैंने लिया। बस यही ग्रॉसरी शॉपिंग थी, फिर मिलते हैं फिर आप अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के अल्लाह हाफिज़।